श्री राम नगरी अयोध्या में आपका स्वागत और अभिनंदन है। सड़क से लेकर चौराहा और दीवारों से लेकर धर्मनगरी का कोना कोना इस बात की गवाही दे रहा है कि आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन कितना भव्य और खास होगा। सभी भक्त अपने आराध्य की भक्ति में कितने डूबे हुए हैं, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये सभी महिलाएं कई किलोमीटर की दूरी तय कर पहली बार धर्मनगरी अयोध्या पहुंची हैं। सभी में यहाँ आने के बाद खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। झूम रहे थे, नाच रहे थे, अपनी खुशियाँ मना रहे थे, साथ में आए थे अयोध्या, और हम कल से बहुत अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं, भगवान जी के दर्शन करे हैं, और हम मंदिर सीता माता का हम कम से कम 100 लोग हैं। हाँ, तो आप सभी महिलाएं अभी भगवान, सभी महिला भगवान, हाँ सब रहे थे, नाच रहे, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सूर्य भगवान बहुत सुंदर लग रहा है। अयोध्या नगरी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, आगे भी अच्छी तरक्की बढ़ती रहे, हम इसीलिए आए हैं जो हम की खुशी मनाने अयोध्या हम पहली बार आए हैं। इस टोली में से एक भक्त का कहना है कि भगवान राम की धरती पर कदम रखते ही उनका मन प्रफुल्लित हो उठा है और सभी ने राम मंदिर के अलावा और जगहों के भी दर्शन किए हैं। हम हरियाणा से आए थे, डिस्ट्रिक्ट पलवल से, भगवान राम की नगरी में, और हमारा यहाँ अयोध्या में आने से बड़ा उत्सव बड़ा है। हम ब्रज गांव नगरी बंचारी के रहने वाले हैं और हमें अयोध्या नगरी में, आप अयोध्या आए, कैसा लगा अयोध्या? अयोध्या हमको बहुत बढ़िया लगा, भगवान राम की नगरी एक नंबर की लगी है और सूर्य नारायण के सामने हम खड़े हैं। कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहे हैं जी। कैसे आप लोग सभी टोली झूम के, हमारे झूम के, नाच के, गाना करके, खाना पीने सब तरीका, बहुत सुविधा मिल रही है हमको यहाँ सीखा। अभी कहाँ कहाँ दर्शन किया? अब हमने राम नगरी के दर्शन करके आए थे, हनुमान गढ़ी के दर्शन करके आए थे, अपना सरजू नदी पे गए थे, और कम से कम 10 चीज देख के आए हम अयोध्या के अंदर। सभी राम भक्त 22 जनवरी के दिन पर नजरें गड़ाए अपने आराध्य के गर्भगृह में विराजमान होने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या शहर को त्रेता युग की थीम पर सजाया जा रहा है और राम मंदिर निर्माण का कार्य भी अब अंतिम चरण में है।